जब इसमें पेट्रोल भरते हैं ना हम, तो पेट्रोल भरने के बाद कार 3 मिनट तक स्टार्ट नहीं होती है। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो वो लोग अच्छी गाड़ी देख के अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत पीछे लाइन लग जाती है। वही तो पेट्रोल पंप वाले तो भाई ऐसे अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता वाला सीन रहता है, डाला पैसे लिए अपना और चलो 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 चलो। हेलो भाई, मेरे पवार, ये वही गाड़ी है भाई मर्सिडीज की A200 जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले दिखाई थी, इसके सारे फीचर्स वगैरह दिखाए थे। अभी यहाँ पे देखो कितने स्लो स्लो हमको लेके आनी पड़ रही है, इसका रीजन यही है भाई, 129 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है बस इसका, तो ऐसे एरिया में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको चलाना। अभी ये MH नंबर महाराष्ट्र नंबर गाड़ी है, इतनी दूर से इसको भाई लेके आए। देखो इसके फीचर्स वगैरह हो गए एक तरफ, अभी जब बात आ गई ना भाई इतनी प्रीमियम गाड़ी लेने की, तो ओनर से मिलना तो भाई बनता है, क्योंकि ऐसी गाड़ी चलाने वाले ना भाई हमारे लिए भी इंस्पिरेशन रहते हैं कि भाई क्या काम धंधा है, उनसे बात करके थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाए भाई कैसे इतनी महंगी लग्जरी गाड़ियां ऑन करनी है कैसे नहीं करनी है। भाई बंद कर दो इसको जरा, पेट्रोल इंजन है लेकिन काफी आवाज अब भी कर रहा है, हो गई बंद। तो आप मिलिए भाई इस गाड़ी के मालिक से जो MH 43 के रहने वाले हैं, नाम है भाई का रोहन राव। तो भाई सबसे पहले मेरे को MH 43 कहाँ का लगता है? MH 43 एक्चुअली नवी मुंबई रजिस्ट्रेशन है, ये नवी मुंबई का, जहाँ पे नया एयरपोर्ट भी बन रहा है ना अभी। हाँ। तो भाई आपका सबसे पहले हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत है, आपकी मर्सिडीज बेंज A200 यही नाम है ना इसका पूरा। हाँ। और ये पेट्रोल में है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, कीमत बताइए इस गाड़ी की। ये हमें ऑन रोड पड़ी 50 लाख रुपीज की, 50 लाख रुपए की महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन के साथ, जबकि महाराष्ट्र में इतना महंगा रहता है। हाँ। देखो मैं समझ पा रहा हूँ, जब कोई बंदा ऐसे एंट्री लेवल सेडान लेता है ना मर्सिडीज की, तो भाई उसके पास ऑलरेडी और गाड़ियां होती हैं, तो आपके पास और कौन कौन सी गाड़ियां हैं? एक्चुअली हमारे पास क्रेटा है 2017 पेट्रोल 1.6 वाली। हाँ। उससे अपग्रेड करके हमने ये लिए, वो भी रखी हुई है। हाँ। पर उसके बाद हमने ये लिए। तो मतलब ये दो ही गाड़ी ली बस आपने? नहीं, उसके पहले हमारे पास एक ग्रैंड आइटन थी, अभी दो ही है। हाँ, अभी दो ही है। अच्छा, फॉर्च्यूनर लेते हैं यार, जैसे मैं जैसे समझ पा रहा हूँ, पहले आप एक SUV चला रहे थे, ठीक है ना, और 50 लाख की रेंज में बंदा क्या जाता है फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, सबसे टेंशन फ्री वाला काम रहता है। कैसे आपका प्लान बन गया कि मर्सिडीज उठा लेते हैं? एक्चुअली मेरे डैड जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे उन्होंने उनके जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उन सबसे उन्होंने राय ली कि कौन सी गाड़ी चलाने में सबसे बढ़िया है। हाँ। तो सबने बोला कि आग बंद करके टोयोटा ले लो। हाँ। क्योंकि सबको मालूम है कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी ज्यादा होती है। डैड ने मुझे बोला कि फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, पर मुझे ऐसा था कि कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो लोग मुड़ मुड़ के देखे उसे, क्योंकि इतना पैसा खर्च करे तो ये तो बनता ही है। तो फिर हमारा प्लान बना कि हम BMW 3 सीरीज लेंगे। तो फिर हमने वो देखी, पर वो उसमें इतना मजा नहीं आया हमको, बस उसमें परफॉर्मेंस बोलते हैं, पर दिखने में इतनी खास लगी नहीं वो। और मर्सिडीज खरीदने का तो हमारा प्लान भी नहीं था, पर ऐसे ही हम बाहर निकले थे तो हमने बोला चलो मर्सिडीज भी देख कर आते हैं। फिर हम मर्सिडीज के शोरूम में गए नवी मुंबई में, वो शोरूम शिफ्ट होने वाला था करके, यहाँ पे दो गाड़ियां पड़ी थी, ए क्लास और सी क्लास, वो अंडरग्राउंड में रखी हुई थी। तो फिर वो सेल्समैन हमको अंडरग्राउंड में लेकर गए बेसमेंट में। हाँ, बेसमेंट में, और सारी लाइट्स को स्पेशली हमारे लिए बंद करवाया। हाँ। और फिर इसकी एम्बियंट लाइटिंग जलाई, फिर हमको बिठा के दिखाया, तो फिर दिल आ गया इस कार पे, और तभी के तभी फिर बुक करा ली हमने। अरे भाई, कि मतलब कब ली आपने ये गाड़ी बताइए? ये कार हमने ली August 18, 2021 में, एक साल होने वाली है। अच्छा, एक साल अभी पूरा हुआ भी नहीं है ना। हाँ भाई, सबसे पहले तो यार 50 लाख रुपए आपने इसके ऊपर खर्च करे, बहुत बढ़िया चीज। लेकिन एक चीज जो मेरे को इतनी अच्छी लगी ना, मतलब आपके डैड ने ड्राइवर से पूछा कि कौन सी चलाने में सबसे अच्छी है। हाँ। मतलब उसका पर्पस ये था कि उनको एक्सपीरियंस रहता है, या फिर ये था कि उनको चलानी है इसलिए उन्होंने पूछा? नहीं नहीं, वी डोंट यूज शॉफर्स एट ऑल, हम खुद ही चलाते हैं अपनी कार। अच्छा अच्छा, तो वैसे रिव्यू लिया कि आप बताओ, क्योंकि वो लोग तो चलाते रहते हैं मल्टीपल। हाँ। कार्स को। अच्छा एक और चीज बताओ, मतलब फॉर्च्यूनर आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, उसको भी देखते हैं यार लोग मुड़ मुड़ के, ऐसी बात तो नहीं है? मतलब अगर लेजेंडर की बात करते हैं, आप एक बार इसके इंटीरियर में रात को बैठ जाएंगे ना, आप फॉर्च्यूनर भूल जाएंगे फिर। अच्छा चलो, एक बार बैठा दो। अब ऑलरेडी एक SUV थी घर पे, उसके लिए हमने ये ली। अच्छा, एक क्रेटा थी ना? ना, फिर तो बढ़िया चॉइस है भाई की, एकदम नंबर चॉइस है। ओ भाई ये देखो आप यार, लगती तो है यार, एम ए क्लास ने इनकी, मतलब वो है एंट्री लेवल, मतलब यहाँ से इनकी बेसिक गाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, तो ये वो वाली है। यहाँ पे देखिए पूरी क्या मस्त लुक इसकी निकल के आती है, साइड से अगर आप बात करते हो, अगर किसी को एक सेडान टाइप चाहिए तो मस्त लगती है। अभी भाई से सर्विस वगैरह की पूरी बात करने वाले हैं हम, तो कैसे इसको आप मुंबई से चला के लेके आए हो क्या? एक्चुअली मेरे डैड इसको यहाँ पे चला कर लेकर आए हैं। अच्छा, फिर आप फ्लाइट से आए और आप फिर यहाँ पे ऐसे आए? अच्छा, पर घूमते हो, आपने यहाँ पे भी घर ले रखा है? यहाँ पे डायट का घर है, रेंट पे रहते हैं वो, तो यहाँ पे आसपास ऋषिकेश, आगरा। रोहन भाई एक बात बताओ, डैड का और आपका किसी ने बांटा है क्या? मतलब डैड का घर अलग है, आपका घर अलग है? नहीं, मतलब वो रहते हैं यहाँ पे वैसे। ऐसे मतलब मेरे को ये चीज बड़ी बेकार सी लगती है यार, डैड की गाड़ी, उसकी गाड़ी, सब अपना ही तो है, डैड भी अपने, हम भी उनके,
चलो मेरे को इंटीरियर में बिठा दो यार फटाफट से भाई। ये देखो यार क्या ब्लैक कलर में चमका के लेके, ये देखो भाई, भाई जिसकी तारीफ इधर से कर रहे हैं ना, ये देखना यार लगती नहीं 50 लाख की इसी अंदर से, मतलब टोटली जो ये वाला इसका सिस्टम है ना भाई, ये इतना प्रीमियम लगता है, सनरूफ भी आती है इसके अंदर, ये देखो ये खुद बोलते हैं स्टार सिस्टम, ओ कितना प्रीमियम, एकदम फुल लग्जरी, मतलब आपको देख के आप एकदम फ्लैट हो गए थे उस रात को। हाँ। अरे खुल भी जाता है भाई, देखिए क्या बात है भाई, ये पेट्रोल में माइलेज कितने की देती है भाई? माइलेज अगर अच्छे से चलेंगे तो मैक्सिमम 14 की, और अभी जैसे मैं भगा कर लाया हूँ तो फिर 8.1 की, 8.1 किलोमीटर पर लीटर की पेट्रोल में दे देती है माइलेज। हाँ भगा कर लाया फिर भी 8.1 की दे देती है। ये वाली एम्बिएंट लाइटिंग देखो, आजकल बहुत ऐसे नकली चलने लग गए, मतलब आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, लेकिन जो इनकी बराबरी है ना वो आफ्टर मार्केट वाले कभी नहीं कर सकते। जैसे मैं बताता हूँ, कॉपी करने में इंडिया बहुत ज्यादा आगे रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए थार में ये वाले आने लग गए हैं, लेकिन उनका फ्लो थार के अंदर बहुत ही घटिया है, इसका तो भाई ओरिजिनल चीज है तो इसका तो मस्त होगा ना। चलो रोहन भाई अब स्टार्ट करते हैं। देखो फीचर्स वगैरह की बात हम ऑलरेडी इस वीडियो में उससे पहले कर चुके हैं, फीचर्स वगैरह भाइयों अगर आपको देखने तो प्रीवियस वीडियो देखना A200 के। अब मेरे को ना मेन बात वो बताओ जो सिर्फ एक ओनर बता सकता है, क्योंकि पैसे आपने खर्चे हैं, हमने फीचर्स वगैरह एक जगह खड़े करके बता दिए, अभी आपने चला कितनी दी है गाड़ी? ये कार एक्चुअली 16,000 चल चुकी है, तो 16,000 किलोमीटर जैसे आपने चलाई है तो पूरा एक ओनर को पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है गाड़ी के बारे में। तो अब मेरे को प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं कि अगर भाई कोई 50-55 लाख रुपए खर्च करना चाहता है एक ऐसी गाड़ी पे तो उसको पूरी हेल्प मिलेगी, भाई हाँ ये बंदा सही बता रहा है तो मैं इससे राय ले सकता हूँ, अब बताइए। एक्चुअली मोस्टली ये कार मेरे डैडी चलाते हैं, मैं इसे लेकर कभी कभी रोड ट्रिप्स पे निकल जाता हूँ जब मैं यहाँ पर आता हूँ तब। हाँ। तो मैंने डैड से पूछा कि इसमें क्या क्या इश्यूज है और जो मैंने इन 5 दिनों में फेस किए, तो फर्स्ट इशू इसमें ये है कि जब इसमें पेट्रोल भरते हैं ना हम, तो पेट्रोल भरने के बाद कार 3 मिनट तक स्टार्ट नहीं होती है। क्या? हाँ जब हम पेट्रोल को फिल करते हैं और कार बंद कर देते हैं, फिर जब हम कार को वापस से स्टार्ट करते हैं तो कार 3 मिनट तक स्टार्ट नहीं होती, बहुत हिलाना पड़ता है कार को, फिर ही जाके स्टार्ट होती है। ये हिलाना पड़ता है कैसे, मतलब कैसे हिलाते हैं इसको? ऐसे अंदर बैठ के थोड़ा शेक करते हैं, उसके बाद 3 मिनट रुकते फिर स्टार्ट होती है। कौन सा पेट्रोल कौन सा डलता है इसमें? इसमें नॉर्मली डलता है पर कभी कभी XP95 भी डाल देते हैं हम। तो ये मेरे को समझ नहीं आया 3 मिनट तक कैसे, मतलब स्टार्ट बटन दबाते रहो कुछ नहीं होता? नहीं वो एकदम वाइब्रेट करती है पर स्टार्ट नहीं होता है। ये यूट्यूब पे मैंने सर्च किया है कुछ, तो ये एयर प्रेशर जो पेट्रोल में होता है ना, एयर कम प्रेशर का, वो कोई तो एक पार्ट है, वो इंजन में चेंज होना पड़ेगा। तो आप इसको तो कंप्लेंट वहां पे लेके जाओ, वहां पर हमने पूछा है उनको, पर वो बोलते हैं कि 1 हफ्ता कार रखना पड़ेगा, पर अभी 1 हफ्ते का कीमत बहुत ज्यादा होता है तो अब तक टाइम मिला नहीं उतना। अच्छा वो बोल रहे हैं कि हम कर देंगे लेकिन 1 हफ्ता देना पड़ेगा। हाँ। आप क्या करते हो भाई ऐसा, 1 हफ्ता नहीं निकाल सकते? एक्चुअली डैड को ऑफिस होता है तो वही लेकर जाते हैं। अच्छा। भाई ये तो बड़ी मेजर इशू है यार पेट्रोल पंप पे, जैसे हमने पेट्रोल डलवा लिया वो पेट्रोल लग जाती है। हाँ वही तो, पेट्रोल पंप वाले तो भाई ऐसे अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता वाला सीन रहता है, डाला पैसे लिए अपना चलो 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 चलो, वो भाई वो तो वेट ही नहीं करते 3-3 मिनट तक, या पहले उनको बताना पड़ता है भाई देख मैं 3 मिनट तक खड़ा रहूंगा आपके पास? नहीं नहीं एक्चुअली स्टार्टिंग में तो वो लोग अच्छी गाड़ी देख के अच्छे से ट्रीट करते हैं, पर फिर अभी आदत हो गई है हमको तो हम उनको बोलते हैं कि 3 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, या कभी कभी हम गाड़ी को स्टार्ट ही रखते हैं तो फिर बंद करने वाला इशू ही नहीं होता है। पर वो ये नहीं कहते भाई बंद कर लो पेट्रोल की गाड़ी वैसे, क्योंकि गाड़ी बंद करने की सलाह हर कोई देता है? वो बोलते हैं तो हम उनको बोल देते हैं और नहीं मानते तो फिर वही शेकिंग वाला सिस्टम है। तो मतलब ये 5:28 है, जैसे मान लो मैं 5:30 पे तेल डलवा रहा हूँ तो एग्जैक्ट 3 मिनट बाद स्टार्ट होगी? एग्जैक्ट अप्रोक्स मतलब 3 मिनट के अंदर 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 ऊपर लेती है, मतलब टाइम लेती है यार। दिस इज सीरियस इशू। ये देखिए इसमें टच स्क्रीन आती है अपनी, क्योंकि 2021 वाली मॉडल है, इससे पहले वो आला सिस्टम आया करता था कि आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो, हालांकि इसमें हो तो यहाँ से भी जाता है पर ये वाला ज्यादा कन्वीनियंट रहता है भाई। क्या मतलब आप क्वालिटी की अगर बात करते हो ना, स्क्रीन की क्वालिटी की, तो वो एकदम टॉप नोच आपको देखने के लिए मिलते हैं, प्लस 3-3 AC vents है, लुक तो इसकी एकदम प्रीमियम निकल के आ रही है, प्लस इसके अंदर बैठ के बाहर बैठ के कोई ये नहीं सोचता होगा कि 50 लाख की है, लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहती ही नहीं ना कि 50 लाख की भी आती है। मर्सिडीज सुनते ही, क्योंकि BMW ऑडी देखो सबसे ज्यादा प्रीमियम में मर्सिडीज ही लगते हैं, क्यों भाई? तो कोई नहीं सोचता कि 50 लाख की होगी, करोड़ ऐसे समझते हैं लोग, मतलब आम जनता की बात कर रहा हूँ, कार गायक ही नहीं, वो सब करोड़ों की गाड़ी इसको समझते हैं, है ना?
फॉर्च्यूनर के अपने मजे हैं, मतलब 50 लाख में वो भी आती है, इससे भी महंगी हो गई है खैर अभी तो, 53-54 लाख रुपए की लेजेंडर आती है, उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, उसका अपना पर्पज हो गया। लेकिन ये आ गया लग्जरी वाली चीज के लिए। अभी 15,000 में सर्विस कितनी बार हो चुकी इसकी? ये इसकी फर्स्ट फ्री सर्विस हो चुकी है और अभी सेकंड सर्विस ड्यू है, पर हमने कराई नहीं है, हम टाइम लेके कराएंगे उसको। तो कितने की हुई पहली? एकदम फ्री 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 एकदम फ्री। हाँ। वो मतलब 10,000 पे तो इंजन ऑयल वगैरह कुछ तो चेंज कर देते? नहीं नहीं, 5,000 पे ये क्या बोलते हैं उसे, चेकअप, चेकअप होता है, चेकअप के बाद। अभी 10,000 के बाद हमने कराई नहीं है, वो कराएंगे हम। और ये देखिए भाई, इसकी सनरूफ कैसे आती है, जैसे आपने नॉर्मल गाड़ियों में देखा होगा सनरूफ जब खुलती है तो वो अपने अंदर के अंदर ही जगह बनाती है, लेकिन इसकी क्या है ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ये देखिए पूरा डिफरेंट सिस्टम चलता है अपना मर्सिडीज वालों का, लेकिन गाड़ी बड़ी प्यारी सी लग रही है मेरे को। अच्छा रोहन भाई, हम इश्यूज से भटक गए भाई, इश्यूज की बात कर रहे थे हम। एक तो ये हो गया पेट्रोल वाला, अब ये सीन तो एकदम से ही अलग है। और क्या इश्यूज हैं इसके साथ? और एक तो इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं है, बार बार वायर कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा चलो, वो तो फीचर वाली चीज हो गई। और एक ग्राउंड क्लीयरेंस का भी एक इशू है, पर वो तो सेडान है, वो तो आपको पता था पहले। नहीं मिल सकता हमको। हाँ, वो तो पता था। और वैसे तो कुछ भी नहीं है, बाकी एकदम सैटिस्फाइड है हम इससे। वाह भाई, इसके अलावा गाड़ी में कोई इशू ही नहीं है, मतलब एक नंबर गाड़ी भाई को लगती है। और एक इशू ये कि इसमें बूट स्पेस का इशू है, तो हमारे पास 3 सूटकेस थे, तो वो यहाँ पे सबवूफर भी एक है, तो फिर वो फिट नहीं हो पाया यहाँ पे। अच्छा, तो फिर मेरी मॉम और मेरी सिस्टर को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, हमने वो सूटकेस को यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दिया और फिर पैर फोल्ड करके बैठना पड़ा हमको। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है कि बूट स्पेस कम है बहुत। हाँ, जबकि लंबी है गाड़ी बहुत ज्यादा, तो भाई आप बूट स्पेस का ख्याल रखो। लेकिन भाई कम्फर्ट तो तगड़ा है ना इन सीट्स पे एकदम। लेकिन अंडरथाई सपोर्ट की थोड़ी सी कमी मेरे को। तो ये सिर्फ 2 लोग चलाते हैं ना, उनके लिए ओरिएंटेड है ये कार। अच्छा, थोड़ा सा कम है पर चल जाता है काम। हाँ, काम चल जाएगा, मतलब दो ही बंदे बैठेंगे भाई 50 लाख की इस गाड़ी में। विंडशील्ड तोड़ दिया आपने, चटक गई। हाँ, चटक गई। कैसे, क्या कर रहे थे? ड्रैग रेस कर रहे थे, आज ही हुई ये चीज। अच्छा, वो स्टोन से फूट गई। हाँ, ये तो भाई नुकसान ड्रैग रेसेस का होता ही है। हमने कितनी बार अपनी विंडशील्ड टूटवाई है इस चक्कर में, इसलिए अब ड्रैग रेसेस को थोड़ा सा इनकार कर देते हैं भाई, क्योंकि नुकसान का ही घर है और कोई बात नहीं है। अगर मेरे पास क्रेटा नहीं होती तो फिर मैं फॉर्च्यूनर या कंपस ही लेता। अच्छा, मेरे पास एसयूवी है तो आपने सेडान ले ली। ये रहता है इम्पोर्टेंट, तभी मैंने आपसे सबसे पहले ही पूछा था और कोई गाड़ी बताओ, क्योंकि सेडान ऐसे मुंबई में भी बहुत गड्ढे वड्ढे हैं ना, जहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, प्लस भाई नवी मुंबई के हैं भाई, तो इसीलिए इसमें नवी मैप्स भी है। कैसा लगा मेरा मजाक? ये भाई ये वो है नवी मैप, एक वो आता है, मतलब जिनको गूगल मैप नहीं पसंद तो ये लोग नवी मैप के साथ टाई अप करके और ये लाइव ट्रैफिक बताता है यार। प्रीमियम बहुत है चीज़, प्लस इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं फॉर्च्यूनर में दूर दूर तक नहीं है। तो इसकी रिव्यू वाली वीडियो जरूर देखना भाई, अगर आपको फीचर्स के बारे में जानना हो, बहुत सारे फीचर हैं। एक और चीज भाई, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, डिचक 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 ऐसी आवाज करती है भाई सीट बेल्ट की, कितनी इंटरेस्टिंग है। और ये म्यूजिक लगाते हैं ना हम, तो बहुत एनोइंग लगता है ये। अब म्यूजिक के बीच में बजता रहता है। हाँ। स्पीकर में से आ रही है ना आवाज जहां तक है। हाँ। वैसी वाली वैसी आती है अलग से, चुन चुन। भाई महाराष्ट्र की गाड़ी जब आप हरियाणा में चलाते हो तो यहाँ पे पुलिस कुछ कहती है हमारे यहाँ की, कुछ रोकती है? रोकती तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसा रूल है कि आप अगर परमानेंटली गाड़ी को यहाँ पर नहीं ला रहे हो तो फिर इशू नहीं है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन अब उनको नहीं पता ना कि आपने कितने दिन, मतलब ऐसा एक साल तक रख सकते हो आप, अब उनको नहीं पता ना, क्योंकि एक तो लग्जरी गाड़ी हो गई ऊपर से MS नंबर हो गई, तो यहाँ हरियाणा दिल्ली के पुलिस वाले आ जा भाई, आ जा थोड़ा सा वो दिखा। रुकाते हैं पर कुछ इशू नहीं है। हाँ, अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे रख रहे हो तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। वैसे रोकते हैं नहीं रोकते, क्योंकि आप काफी दिन से जैसे इसको यूज कर रहे हो, तो चलो बहुत अच्छी चीज है यार, हमारे यहाँ की सरकार नहीं रोकती भाई, आप लोग यहाँ पे लेके आओ। क्योंकि अगर वहाँ पे महाराष्ट्र में हरियाणा गाड़ी नंबर लेके गया मैं, तो मेरे को भी नहीं रोकेंगे वो लोग, रोकेंगे ना? रोकेंगे तो सही, पर छोड़ देंगे फिर। छोड़ देंगे पक्का? कुछ ले देके छोड़ देंगे फिर। यहाँ के तो बताओ ले देते भी नहीं है बेचारे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत दिल के बहुत साफ है यहाँ के लोग, है ना। मुझे PUC के लिए रोका था यहाँ पे, पर मैंने उनको बोला कि सर प्लीज छोड़ दीजिए, छोटा बच्चा हूँ मैं, बच्चा आपका बेटा समझ के छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिया उन्होंने मुझे। अरे भाई वाह भाई वाह, हरियाणा वालों का दिल ऐसे ही थोड़ी बड़ा कहते हैं भाई, बहुत अच्छे लोग होते हैं, प्यार से कोई बात करे तो। ये लोग जब इसका इंजन का स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि 1.3 लीटर टर्बो इंजन है, जो कि सेम निसान किक्स में भी आती है, सेम जो 10 लाख के नीचे वाली कार है उसमें भी आती है, तो लोगों का फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है इससे, इसीलिए सस्ती है ये, इतने सारे फीचर्स वगैरह दे रखे हैं। लेकिन वही है ना, लोग ऐसा सोचते हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ। हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं, पर
एक बार मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जरूर इसको ड्राइव करके देखे, फिर आपको समझेगा कि परफॉर्मेंस क्या है। 1.3 1300 cc के हिसाब से ऐसा लगता है कि यार बस मर्सिडीज में इतना कमजोर इंजन, लेकिन भाई भागने में जैसा भाई बता रहे हैं तगड़ी है। और भाई देखो इश्यूज की हमने बात कर ली, कुछ पॉजिटिव्स बताओ तगड़े तगड़े, जो लोगों को पता चले कि मर्सिडीज की ये A200 आप खरीद सकते हो इन जस्ट 50 lakhs। सबसे फर्स्ट ये कि ये 50 लाख की लगती नहीं है, बिल्कुल ये डबल द प्राइस की लगती है, ज्यादा रस्तों पे चलती भी नहीं है, तो लोग मुड़ मुड़ के हेड टर्नर है ये, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। प्लस कंफर्ट फीचर सब कुछ है इसमें, और ये बजट में स्पोर्ट्स कार वाली फील दे देती है। चलो भाई रोहन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, रोहन राव भाई है, लेकिन राव ये हरियाणा के राव साहब नहीं है, यादव नहीं है, ये है कर्नाटका के, जैसे मैंने आपको बताया। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। यदि मर्सिडीज A200 वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।